नमस्कार, मैं हूँ रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मनावर में अनुविभागीय अधिकारी, नगर पालिका टीम, पुलिस थाना मनावर की एक संयुक्त टीम बनाकर शहर से अवैध अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई। यह कार्रवाई शहर में आए दिन हो रहे हादसों को ध्यान में रखकर की गई। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। दोबारा होगा तो हम पूछेंगे नहीं, उठा के ले जाएंगे, है ना। दोबारा हम नहीं पूछेंगे। जी हाँ, कुछ दिनों से यहाँ शिकायत मिल रही थी कि हमारे नगर क्षेत्र में काफ़ी अतिक्रमण है, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे सीएमओ और हमारे पुलिस टीम के साथ हम लोग आज पूरे अतिक्रमण हटाओ मुहिम में हैं, और अभी हम प्राथमिक चरण में हम उनको चेतावनी दे रहे हैं और साथ में हमारे समक्ष उनको हटवा रहे हैं, और आगामी अगर इनके द्वारा अतिक्रमण करते हैं तो हम चालानी कार्रवाई करेंगे। ये मुहिम जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए या कि नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये लोकसभा निर्वाचन को लेके नहीं है। ये जहाँ भी अतिक्रमण होंगे हम उसको सतत रूप से निरंतर हम इसको, चूँकि ये जनताओं की सुविधाओं को लेके है, लिहाजा हम इसको आगामी जब भी ऐसी स्थितियाँ बनेंगी हम लोग इसको हटाएंगे, और सदैव पूरे प्रथम दृष्टया रहेगी, नागरिक को कोई दिक्कत ना हो। बता दो, और किस पर? कैलाश चंद कर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मनावर, जिलाधार मध्य प्रदेश। आज प्रशासन द्वारा गांधी चौक बस स्टैंड और सिंघाना रोड, धार रोड के जो अतिक्रमण था, अस्थायी अतिक्रमण, उसको आज प्रशासन द्वारा हटाया गया, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी समस्त के द्वारा मोटरसाइकिल और टू व्हीलर फोर व्हीलर हटाए जाकर उन्हें जब्ती की गई है, और जो टीन शेड और ठेला जो अव्यवस्थित तरीके से लगाए गए थे उन्हें समझाइश भी दी गई है, और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए चुने की लाइन वगैरह डाल करके वो व्यवस्थित किया जाएगा। सर, और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ, आगे भी ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, और किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो। अगर दुर्घटना होती तो वो नागरिकों में इस प्रकार का आक्रोश होता है, जो रोड के आसपास जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें हटाया जा रहा है।